नाउ जिस टू सैलरीज टू पार्टनर जब हम लोग कर रहे हैं, मैं जनरल इंटरेस्ट के लिए ये जगह ये स्पेस को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, फॉर्मेट को रहने, ठीक है। तो ये सैलरीज टू पार्टनर जब हम कर रहे हैं तो इसका एंट्री क्या हो रहा है, जनरल एंट्री अगर हम लोग देखें, जनरल एंट्री इसका होगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को डेबिट किया जा रहा है, तो इसका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, ठीक है, उस पार्टनर का हम लोगों को यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि टू पार्टनर मान लो ए बी सी है, टू ए कैपिटल अकाउंट या टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, ये फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। अगर सैलरी हम लोग पार्टनर्स को दे रहे हैं तो पहले तो पार्टनर को सैलरी किस किस में करेंगे हम लोग, उसका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। पार्टनर का सबका जो है एक एक क्या बना रहता है, कैपिटल अकाउंट बना रहता है, कैपिटल अकाउंट। तो पहले सैलरी को उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, उसके लिए क्या एंट्री होता है, उसके लिए एंट्री होता है पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री करने के बाद फिर ये जो पार्टनर सैलरी है इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे, जिसके लिए ये एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पार्टनर्स की जगह पार्टनर को कमीशन भी मिल सकता है सैलरी की जगह, तो सेम एंट्री होगा। अगर कमीशन मिल रहा है तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन उस पार्टनर्स कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के लिए ये एंट्री किया जाए, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए जो एंट्री होगा वो हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग दे रहे हैं, इसको डेबिट करेंगे किसको दे रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो टू पार्टनर्स कैपिटल है, ठीक है। इंटरेस्ट दे दिया, फिर उसको हम लोग क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने का जो जनरल एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका जर्नल एंट्री इसलिए जानना जरूरी है ताकि अगर कहीं कभी पर भी तुम लोग ये फॉर्मेट भूल जाओगे तो जर्नल एंट्रीज अगर याद भी रहेगा तो इस जर्नल एंट्रीज के जरिए फॉर्मेट को पता कर सकते हैं। प्लस एक चीज़ और पता होना चाहिए, सिंपल कंसेप्ट ये रहना चाहिए कि जो भी चीज़ हम माइनस कर रहे हैं प्रॉफिट से वो डेबिट में रह रहा है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जितने भी माइनस करने वाले चीज़ें होते हैं वो हम एक्सपेंस टाइप चीज़ होता है, उसको हम लोग डेबिट साइड में रखते हैं। ये सारा चीज़ क्या हो रहा है, एक्चुअली नेट प्रॉफिट में से माइनस हो जा रहा है। पहले हम लोग ने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, नेट प्रॉफिट में से अभी क्या कर रहे हैं, पार्टनर अपना सैलरी ले जा रहा है तो वो माइनस हो जा रहा है, पार्टनर कमीशन ले जा रहा है नेट प्रॉफिट से वो भी माइनस हो जा रहा है, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा है तो नेट प्रॉफिट से वो भी माइनस हो रहा है। तो पहले ये तीनों चीज़ माइनस हो रहा है, तो जो भी माइनस करने वाला चीज़ होगा उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्चुअली क्या होता है, पार्टनर्स ड्राइंग्स करते हैं बिजनेस में से एंड उसके अगेंस्ट में वो लोग इंटरेस्ट देते हैं, तो ये पार्टनर्स के लिए क्या हुआ, पार्टनर्स को मिल नहीं रहा है, पार्टनर्स ये पे कर रहा है कंपनी, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है क्रेडिट करते हैं। इसके लिए क्या एंट्री होगा, जो ट्रांसफर वाला एंट्री होता है वो इंटरेस्ट ऑन जस्ट इसका ऑपोजिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ठीक है। ये ड्राइंग्स को ट्रांसफर करने के लिए, चार्ज करने के लिए दूसरा एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, जब हम लोग ड्राइंग्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसका एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और ये जो लास्ट में जो प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, इसका भी एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है।
ये मतलब जर्नल एंट्रीज है, इसी जहाँ से ये प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बन रहा है उसका जर्नल एंट्री। हम लोग लेजर बाद में बनाते हैं, जर्नल पहले सीखते हैं ना, इसलिए जर्नल एंट्रीज भी जानना जरूरी है। क्योंकि अगर 1 मार्क्स या एमसीक्यू में तुमको ये क्वेश्चन दे दिया कि ट्रांसफर ऑफ सैलरी करने का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या एंट्री है, तो उसके लिए अगर कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया तो आपको अगर एंट्री पता नहीं है तो फिर गलत में टिक कर दो। इसलिए लॉजिक दोनों का याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जहाँ जहाँ डेबिट हो रहा है वो ये है प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन का, जिसमें जिसमें माइनस होगा उसमें डेबिट होगा प्रॉफिट, और जो चीज़ में ऐड हो रहा है जैसे कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड हो रहा है तो इसमें प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और यहाँ से इस चैप्टर में से एक और चीज़ तैयार करना बुक में मिल जाएगा, वह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि सारा चीज़ ये बुक में अवेलेबल है, रीड करने से समझ में आ जाएगा, एंड जो बेसिक चीज़ है वो मैंने बता दिया, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि क्या इसका डिफरेंस है, खुद से पढ़ लेना। और अगर कोई दिक्कत हुआ समझने में कोई पॉइंट में तब मेरे को प्लीज़ पूछ लेना, मैं जो है इसको बता दूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कुछ रखा दिए आज मैंने, कल फिर से अकाउंटेंसी, कल नहीं है वैसे रूटीन में, लेकिन कल तुम लोग का मैं फिर से क्लास लूँगा एंड उस समय इसका न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट